क्वेश्चन नंबर वन, आपने एक पेपर लेना है और आंसर लिखना है बस केवल। क्वेश्चन नंबर वन है कि जो नर्न्स इक्वेशन होता है, इसमें जो कंसंट्रेशन होता है ऑफ फ्री एलिमेंट्स का, वो कितना लेते हैं हम लोग। इन नर्न्स इक्वेशन द कंसंट्रेशन ऑफ फ्री एलिमेंट इज टेकन एज, कितना एज्यूम करते हैं, कितना लिया जाता है वो लिखना है आपने। वन वर्ड के आंसर है बस। तो इन नर्न्स इक्वेशन कंसंट्रेशन ऑफ फ्री एलिमेंट्स इज टेकन एज, अब है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इज कितना होता है ये, क्योंकि ये कभी भी क्वेश्चन में गिवन नहीं होता है, तो ये आपको याद होना चाहिए। फर्स्ट एंड नंथ इक्वेशन में कंसंट्रेशन ऑफ फ्री एलिमेंट्स कितना लेते हैं, और सेकंड है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इज। हाँ अंबिका, उसमें क्या है कि आपका नेटवर्क प्रॉब्लम होगा कई बार, एक बार चेक करके देखना। क्वेश्चन नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिख रहा है आपको, कंसंट्रेशन ऑफ फ्री एलिमेंट इज टेकन एज, ये कभी गिवन नहीं होता है। सेकंड है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इज, ये भी कभी गिवन नहीं होता है बुक में। क्वेश्चन नंबर थर्ड, अगर हमने किसी इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन को जीरो कर दिया, ये कई बार मैंने कल भी बताया था आपको कि ये बोर्ड में पूछा गया है कि कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट अगर हम जीरो कर देंगे तो मोलर कंडक्टिविटी कितनी होगी, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट अगर जीरो होगा, अगर आपने जीरो कर दिया तो मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, तीसरा क्वेश्चन है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर है डेनियल सेल इसका वोल्टेज या ई नॉट सेल की वैल्यू कितनी होती है, ये याद करना है आपने, देखना है। जो डेनियल सेल होगा उसमें ई नॉट सेल की वैल्यू कितनी होगी। फोर्थ क्वेश्चन, डेनियल सेल द वैल्यू ऑफ ई नॉट सेल विल बी, क्वेश्चन नंबर फाइव। क्वेश्चन नंबर फाइव है इसमें रोल ऑफ जेड एन सी एल टू इन ड्राई सेल, एक लाइन है, एक वर्ड का आंसर है ये। ये भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में पूछा जाता है आपके पास कि रोल ऑफ जेड एन सी एल टू इन ड्राई सेल इज, इसका काम क्या है, इसे हम क्यों डालते हैं। तो ये फिफ्थ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर सिक्स, क्वेश्चन नंबर सिक्स है जो फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे। तो फैराडे कहता है कि वेट या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट एनी इलेक्ट्रोड
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पे क्या आएगा, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? जो फैराडे लॉ था उसने क्या बोला था इसमें? एक एक वर्ड के आंसर है। डेनियल सेल में ई नॉट सेल की वैल्यू, रोल ऑफ जेड एन सी एल टू इन ड्राई सेल में क्या होता है, और फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे में जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड होता है वो किस चीज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो 6 क्वेश्चन हुए। अब क्वेश्चन नंबर 7th, क्वेश्चन नंबर 7th है, अगर हमने सेम इलेक्ट्रिसिटी पास करी, सेम इलेक्ट्रिसिटी पास करनी है, ठीक है, किसमें, जेड एन एस ओ फोर में, सी यू एस ओ फोर में और ए जी एस ओ फोर में, तो इन तीनों में से सबसे ज्यादा डिपॉजिट कौन होगा, विच वन इज मैक्सिमम डिपोजिशन, विच वन हैव कह सकते हैं डिपोजिशन, ठीक है, सबसे ज्यादा इसमें से कौन डिपॉजिट होगा, जेड एन एस ओ फोर या सी यू एस ओ फोर या ए जी एस ओ फोर, अगर हमने तीनों को सेम इलेक्ट्रिसिटी पास की है तो इन तीनों में से सबसे ज्यादा डिपोजिशन किसका, तो डिपोजिशन में हम किसको देखते हैं, मेटल को देखते हैं, ध्यान रखना, यानी अगर हम आंसर देंगे तो या तो हम बोलेंगे जेड एन या बोलेंगे सी यू या बोलेंगे ए जी, तो ये सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे से बिलोंग करता है। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, कंडीशन ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है इसकी कंडीशन क्या क्या, आपको तीन कंडीशन बताए थे, वो कंडीशन आपने लिखनी है, स्टैंडर्ड होने के लिए कौन कौन सी कंडीशन जरूरी है। तो क्वेश्चन नंबर 8 इज कंडीशन ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज, क्वेश्चन नंबर 9, मैंने कहा ई नॉट सेल ये किस केस में पॉजिटिव या नेगेटिव, किस केस में ये फिजिबल होता है, फिजिबल का मतलब स्पॉन्टेनियस, जो अपने आप रिएक्शन हो जाएगी, जैसे आपने ग्रेविटी का देखते हो आप, कोई चीज ऊपर से नीचे आती है तो ये स्पॉन्टेनियस है, इसमें आपको कोई वर्क नहीं करना पड़ता, तो हम प्लस लेते, और जब कोई चीज आप नीचे से ऊपर फेंकते हो तो आपको वर्क करना पड़ेगा तो नेगेटिव हो जाता है, मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस। तो ऐसी है कि ई नॉट सेल प्लस या नेगेटिव में फिजिबल या स्पॉन्टेनियस होती है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10, इसमें सेम क्वेश्चन है आपके पास, ई सेल किस केस में स्पॉन्टेनियस होगा या फिजिबल होगा, फिजिबल या स्पॉन्टेनियस, ठीक है, ई सेल किस केस में स्पॉन्टेनियस होगा या फिजिबल होगा, प्लस या माइनस। क्वेश्चन नंबर 11, आपको बताना है ई सेल इज इक्वल टू 0 किस कंडीशन में होता है, इन विच कंडीशन ई सेल इज इक्वल टू 0, ये मैंने आपको बताया था नॉन्स्ट इक्वेशन में, ध्यान रखना, तो वहां पे ये छोटी छोटी चीजें होती है जो अफेक्ट करती है बड़े बड़े आंसर्स को, तो ई सेल किस केस में 0 होगा। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 इज गिब्स फ्री एनर्जी और वर्क डन
इसमें क्या रिलेशनशिप है? वर्क डन गिव्स फ्री एनर्जी एंड वर्क डन. तो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन गिव्स फ्री एनर्जी एंड वर्क डन? तो एक इतने छोटे से उसमें आ जाएगा बस. गिव्स फ्री एनर्जी और वर्क डन में क्या रिलेशनशिप है? ये लिख लिया होगा मेरे ख्याल से आप लोगों ने. अब आते हैं हम 13 क्वेश्चन पे. 13th क्वेश्चन. 13 क्वेश्चन है ऑन डाइल्यूशन. अगर हमने डाइल्यूशन किया तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी या कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस, इसकी वैल्यू इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? अगर हम डाइल्यूशन करते हैं तो जो कप्पा होता है यानी कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस, इसकी वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज या डिक्रीज? क्वेश्चन नंबर 14. जो कोलराक्स लॉ था, कोलराक्स लॉ वो किस इलेक्ट्रोलाइट के लिए गिवन था? पहला है आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट या वीक इलेक्ट्रोलाइट. स्ट्रॉन्ग के लिए एप्लीकेबल था या वीक के लिए था? तो जो कोलराक्स लॉ दिया हुआ था वो किस एलिमेंट के इलेक्ट्रोलाइट के लिए एप्लीकेबल था? ये इन दोनों में से एक इलेक्ट्रोलाइट के लिए एप्लीकेबल था. तो कौन सा है वो, स्ट्रॉन्ग है या वीक है? तो एक एक वर्ड के आंसर है, कोई भी एक इसमें से लिख दो, एक इसमें से आ जाएगा. 15th क्वेश्चन. देखो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हमने उसमें यूज किया था, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी. इसमें हमने दो चीजें यूज की थी, जैसे हमने कहा था नॉट या फिर इन्फिनिटी लिख सकते हो आप. तो इसका मतलब क्या हुआ, व्हाट डू यू मीन बाय दिस? इसको हम यूज क्यों कर रहे हैं, इसका लॉजिक क्या है? लिमिटिंग, इसमें क्वेश्चन आया था व्हाट डू यू मीन बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी. लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किसे कहते हैं? तो इसकी डिफाइन लिखनी है आपने. डिफाइन मतलब एक ही वर्ड का है, मोलर कंडक्टिविटी के आगे एक दो वर्ड लिखने हैं बस आपने, वही इसकी डेफिनेशन बन जाती है. तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इसका मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी? और ये दोनों इसी चीज से डिफाइन होते हैं. ये जीरो का मतलब क्या है और इन्फिनिटी का मतलब क्या है, इसी से समझ में आ जाएगा इसका डेफिनेशन. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे. क्वेश्चन नंबर 16 इज, जो मरकरी सेल होता है, ये लॉजिकल क्वेश्चन में पूछा गया था आपसे क्वेश्चन, जो मरकरी सेल होता है ये थ्रू आउट लाइफ में कांस्टेंट रहता है. देखा आपने घड़ी की, जो घड़ी का आपका ये सेल होता है, तो वो देखना आपकी शुरू से लेके लास्ट तक सेम रहता है, उसकी वैल्यू डिक्रीज नहीं होती है. तो उसका कारण क्या है, ये लॉजिकल क्वेश्चन है आपका, पूछा जाता है कि मरकरी सेल थ्रू आउट पूरी लाइफ में उसकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है, क्यों? एक ही रीजन है इसका बस, इस तीन चार वर्ड में इसका आंसर है, बिकॉज ऑफ दिस बस. 17 क्वेश्चन. जो मरकरी सेल होता है वो थ्रू आउट सेम रहता है, जबकि जो ड्राई सेल होता है वो धीरे धीरे कम होता चला जाता है. जैसे आप यूज करोगे, जैसे आप टॉर्च लेते हो आप, तो जो पहले बल्ब होता है वो स्पीड से चलता है, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता है तो क्या होता है, उसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है, लेकिन इसकी नहीं होती है, क्यों? क्वेश्चन नंबर 17.
अब देखो लॉग निकालना बताया था मैंने आपको, शॉर्टकट ट्रिक से निकालना है लॉग 80 की वैल्यू कितनी आएगी। शॉर्टकट ट्रिक, बड़ा मत करो उसे, छोटा सा जो आपको शॉर्टकट ट्रिक बताई है उससे निकालना है विदाउट लुकिंग लॉग टेबल। लॉग 80, और ऐसी क्वेश्चन नंबर 18 है एंटी लॉग 7.7, इसको भी बिना देखे हुए निकालना आपने, बिना टेबल देखे हुए एंटी लॉग 7.7। तो ये कर दिया आप लोगों ने, अब मैं हटा देता हूं इसे। 19 क्वेश्चन है कॉपर CU से CuSO4 में चेंज हो जा रहा है, तो बताओ अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड इन फेराडे। इसको फेराडे में बताना, आपने पूरा कैलकुलेशन नहीं करनी है, केवल फेराडे में बताना है। तो वन स्टेप में आ जाएगी रिएक्शन कि अगर आपने CU से CuSO4, या कई बार ऐसे लिखता है Cu2+, एक ही बात है, तो CU से CuSO4 में अगर हम चेंज करेंगे तो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड कितनी होगी। ऐसी सेम क्वेश्चन ये है MnO4 ऊपर है 2-, ध्यान रखना जो क्वेश्चन था उसमें एक माइनस था, यहाँ पे 2-, MnO4 2- से Mn2+ में चेंज हो रहा है, तो इसमें भी आपने बताना है अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड इन फेराडे, रिक्वायर्ड इन फेराडे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए भी पूरा, अगर आपने ये कर दिया तो इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 21। अगर आपने एक्वस CuSO4
सॉल्यूशन लिया है इन प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। आपको ये बताना है कि एनोड में कौन सी चीज डिपॉजिट होगी। इन एनोड जो डिपॉजिट होगा वो कौन सी चीज है जो एनोड में जाएगी। अगर हमने एक्वा CuSO4 सॉल्यूशन लिया है इन प्लेटिनम इलेक्ट्रोड तो एनोड में कौन सा जाएगा, ये प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस में हमने किया था। क्वेश्चन नंबर 22, एक्वस CuCl2 इन कॉपर इलेक्ट्रोड। तो आपको ये बताना है कि इसमें एनोड में कौन सी चीज जाएगी और कैथोड में कौन सी चीज जाएगी। तो ये हो गया होगा मेरे ख्याल से 21 एंड 22, एक्वा CuCl2 इन कॉपर इलेक्ट्रोड। तो एनोड में क्या डिपॉजिट होगा और कैथोड में क्या डिपॉजिट होगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 23। आपको ये बताना है कि जो लेड स्टोरेज बैटरी जो आपके घरों में लगी होती है, लेड स्टोरेज बैटरी, इसका वोल्टेज कितना होता है। लेड स्टोरेज बैटरी का वोल्टेज कितना होता है, जैसे 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 5 वोल्ट, तो इसका कितना होता है। लेड स्टोरेज बैटरी जो सेकेंडरी बैटरी होती है, सेकेंडरी मतलब जो रिचार्जेबल होती है, जिसको आप रिचार्ज कर सकते हो, तो इसमें इसका वोल्टेज कितना होगा। 24th क्वेश्चन, जैसे मैंने लिखा Cd3+ प्लस कॉपर गिब्स Cu2+ प्लस Cd, इसमें बताओ n की वैल्यू क्या होगी, नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन। और इसका एक लास्ट क्वेश्चन है, जो फ्यूल सेल होता है, फ्यूल सेल आपको पता है पॉल्यूशन फ्री होता है, इसकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है, एफिशिएंसी जो नॉर्मल आप जो फ्यूल सेल यूज़ करते हो उसकी एफिशिएंसी 40% होती है जो आपके पास जो सेल है, लेकिन जो फ्यूल सेल होता है इसकी एफिशिएंसी 60 से 80% होती है, इतनी ज़्यादा एफिशिएंसी है ना, इसके डबल मान के चलो। लेकिन फिर भी हम फ्यूल सेल को यूज नहीं कर पाते, वी आर अनेबल टू यूज फ्यूल सेल, व्हाई। एक ही रीजन है इसका, बस एक पॉइंट में आ जाएगा, ये छोटे से पॉइंट में। तो कहता है इतना बेनिफिट है आपके पास फ्यूल सेल का, कुछ लग भी नहीं रहा आपको,
हाइड्रोजन ऑक्सीजन डाला आपने और ये पोल्यूशन फ्री भी है, इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा भी है, फिर भी हम इसको यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, क्यों? तो ये 25 क्वेश्चन है आपके पास, आप इसमें 5 मिनट का टाइम ले लो, 57 से ये हो जाएगा 8-2, 8-2 में मुझे सबमिट करो आप, फिर मैं आपको आंसर बताता हूँ सारे, ठीक है? तो मैं इसको ऑफ करता हूँ, किसी कोई क्वेश्चन छूट गया हो तो पूछ सकता हूँ मुझे, और 8-2 में आप मुझे सबमिट करो, फिर मैं वन बाय वन इसके आंसर बताता हूँ आपको।